Hello students, I hope you all are healthy and well. I'm here with a poem number 6 of class 10 CBSE from the book First Flight. Here we will discuss the poem Amanda, written by Robin Klein. Let's discuss something about the author. The poetess belongs to Australia and she writes the poem related to children, children's story, children's poem. So here we will discuss a poem whose name is Amanda. Amanda, which is written, is ऑस्ट्रेलियन पोएटस ने, इसका नाम है रॉबिन क्लेन, इनका पूरा नाम है रॉबिन मैकमो क्लेन, ठीक है। ये बच्चों की कहानियाँ लिखती हैं, पोएट लिखती हैं और बच्चों के इमोशंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है अमांडा, जिसको उसकी मम्मी जो है काफ़ी डांटती फटकारती है। वैसे बच्चों को डांट फटकार तो मिलती रहती है, और स्पेशली अगर हम एक लड़की हैं, गर्ल हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा ही डांट फटकार मिलता है, कुछ ज़्यादा ही हमें जो है डूज और डोंट सुनने को मिलते हैं। ऐसे चलो, वैसे बैठो, कैसे बैठती हो, ठीक से बैठो, ठीक से चलो, तो ठीक से खाओ, तो होमवर्क कंप्लीट करो, घर साफ रखो, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सुनने को मिलती हैं। कैसे बाल बना के रखी हो, कैसे रहती हो, साफ़ सुथरा रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो, मैनी डूज एंड डोंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सब सुनते सुनते हम इतने इरिटेट हो जाते हैं कि उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और आँख से आँख मिलाकर हम जो है फिर सुनते नहीं हैं, तो सामने वाले को बड़ा इरिटेशन होता है कि मेरी बात ये सुन नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही कुछ होता है इस अमांडा के बारे में। एक छोटी सी बच्ची है जिसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, डूज एंड डोंट्स की मम्मी जो है सुनाती है सुबह से शाम। हमारा रिजल्ट जो है ख़राब हो जाता है तो हमें फिर ताने देती है कि देखो नीतू का रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छे से पढ़ती है, तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ती हो फिर भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब है, क्या करती हो तुम, पढ़ती लिखती नहीं हो, एकदम से टाइम वेस्ट कर रही हो, टाइम पास कर रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अमांडा जो है क्या क्या उनको सुनने को मिलता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, तो ये सो लाइन जो है वो एक डांट है, एक तरह का स्कोल्ड है, रिब्यूक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कहा गया है, देखो कितने सारे डोंट्स हैं यहाँ पर, डोंट बाइट योर नेल्स। बहुत सारे बच्चों का एक आदत होता है कि वो दांतों से नेल को काटते हैं, तो उसकी मम्मी देखती है तो डांटती है, क्यों काट रही हो, मत काटो, दांतों से नेल काट रही है अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मतलब होता है झुकना, अपने शोल्डर्स को क्यों झुकाती हो तुम, शोल्डर्स को झुका के चलना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद स्टॉप स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, स्लोचिंग का मतलब ये होता है झुकना सामने की ओर, जैसे ऐसे बैठे हुए हैं तो जो है जब बैठती है तो थोड़ा झुक के बैठती है, तो उसकी मम्मी डांटती है, क्यों ऐसे बैठे हुए हो, ठीक से बैठो, सीधा बैठो अमांडा। उसके बाद जो है ये सब बातें जब डांट फटकार लगाती है अमांडा को, तो अमांडा उस बातों को ध्यान नहीं देती है, वो कुछ अपने ही दुनिया में चली जाती है। तो हर एक स्टेंजा के बाद हमको एक पैरेंथेसिस मिलेगा, पैरेंथेसिस मतलब ये ब्रैकेट्स मिलेगा, ब्रैकेट्स के अंदर जो है जो चीज़ें लिखी हुई है वो एक इमेजिनेशन है उस बच्ची का, जो वो उस दुनिया में चली जाती है, ठीक है। तो देयर इज अ लैंग्विड इमरल्ड सी वेयर द रूल सोल इनहेबिटेंट इज मी आई एम मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो जब ये डांट फटकार लगाती है तो अमांडा जो है कुछ दूसरे ही दुनिया में चली जाती है, वो अपने आप को सोचती है कि मैं एक मरमेड हूँ। मरमेड का मतलब होता है जिसका ऊपर का शरीर ह्यूमन बींग्स का होता है, नीचे एक फिश का होता है, मछली का होता है, तो अपने आप को मरमेड समझ रही है। कहाँ पर, एमरल्ड सी, लैंग्विड का मतलब होता है पीसफुल, शांत, काम, और एमरल्ड का मतलब होता है एक ग्रीन जेम होता है, एक हरा जेम, हरा सी, ग्रीन सी में अपने आप को समझती है कि मैं जो है एक मरमेड हूँ और ग्रीन सी में जो है चल रही हूँ, और यहाँ एक लौता मैं ही रहने वाली हूँ। सोल इनहेबिटेंट का मतलब होता है एक लौता रहने वाला, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है मूव करना, ब्लिसफुली मतलब बहुत ही आराम से रिलैक्स वे में मूव कर रही है, तो वो इस तरह से इमेजिन करती है जब वो डांट फटकार उसकी मम्मी लगा रही है, लेकिन वो अपनी दूसरी दुनिया में चली गई है, वो इस तरह से सोच रही है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, ये डांट रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा,
Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ भी डांटते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमेंडा? क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? मैंने सोचा कि तुम अपने शूज़ को क्लीन कर लोगी, क्लीन करो अमेंडा। अब इसमें भी एक पैरेंथेसिस है, इसमें भी एक अलग दुनिया में जाती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्री फ्रीडम इज स्वीट। तो जब उसकी डांट लगाती है घर साफ करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, तो एक दुनिया में चली जाती है जहाँ अपने आप को एक ऑर्फन समझती है, अनाथ समझती है। जो अकेले एक रास्ते पर चली जा रही है, अकेले रास्ते पर नंगे पांव चली जा रही है, रेत पर चली जा रही है, और डस्ट पे जो है उसके पैरों से जो छाप बन रहा है, जो इम्प्रेशन बन रहा है, जो प्रिंट हो रहा है, उसको वो जो है देखते जा रही है और कह रही है साइलेंट इज गोल्डन। साइलेंट जो है बहुत ही गोल्डन है। फ्रीडम, फ्रीडम इज स्वीट। और उसको जो आज़ादी पसंद है, आज़ादी तो सबको पसंद है, उसको भी पसंद है, तो वो एक तरह से अपने आप को बंधी हुई समझ रही है, एक पिंजरे में बंद एक चिड़िया के रूप में समझ रही है, जिसको हर वक्त जो है कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। फ्रीडम होके, फ्री होके वो जी नहीं पाती है, ऐसा वो जो है ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा। अब बच्चे चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, मत खाओ दांत सड़ जाएंगे, हमेशा एक फेमस डायलॉग है, इतने सारे चॉकलेट क्यों खाते हो, दांत सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, तो बहुत सारे कैविटीज़ हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती रहती। हाँ ये बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी। एक्नी का मतलब होता है पिंपल्स, जो गाल पे पिंपल्स वगैरह जो आ जाते हैं, मुहासे आते हैं, उसको बोलते हैं विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। जैसे कि मैंने पहले बताया, बार बार एक ही बात को बोलते बोलते जो है बच्चा इरिटेट हो जाता है, तो इधर उधर ध्यान लगाता है। उसकी मम्मी बोलती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ देख रही हो, ध्यान तुम्हारा नहीं है इधर। तो इस तरह से जो है उसको डांटती है, तो वो जो है उसको डांटती है, तो वो नज़र नहीं मिलाती, इधर उधर देखते रहती है, तो उसकी मम्मी जो है बहुत गुस्साती है, बोलती है तुम इधर उधर देखती रहती हो, इधर देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि हर एक स्टेंजा के बाद एक पैरेंथेसिस है, तो वो अपनी अलग दुनिया में चली जाती है। तो दिस टाइम सी थिंक्स दैट आई एम अ रैपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ अपने आप को एक रैपंजल समझते, रैपंजल एक जर्मन फेरी टेल में एक कैरेक्टर है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और वो एक ऊंचे टावर पर रहती है और अपने बालों के मदद से लोगों को ऊपर जो है बुलाती है या मिलती है। तो अपने बालों को कभी वो नीचे नहीं लेके आती क्योंकि उसके बाल इतने लंबे हैं कि वो ऊंचे टावर पर रहती है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अपने आप को ये रैपंजल समझती है जो अकेले एक ऊंचे टावर पर है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, रेयर का मतलब होता है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और वो चाहती है कि मैं जो है कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं ले जाऊंगी, मैं ऊपर ही रहूंगी। बहुत शांति है, अकेलापन है, और मुझे अकेलापन पसंद है, फ्रीडम पसंद है, कोई मुझे कुछ कहे डांटे ये मुझे पसंद नहीं है। लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस। सर्किंग मतलब होता है जैसे कि आप, आपको डांट रहे हैं और आप कांप रहे हैं या डर रहे हैं, स्केर्ड हैं, श्रिक जिसको बोलते हैं, तो स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमेंडा। जैसे आप जो ऐसे कर रहे हैं तो इसको सर्किंग बोलते हैं, तो डांट रही है, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। बोले तुम हमेशा मूडी रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, नेग्ड मतलब होता है हैरस करना, किसी को परेशान करना, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, इसलिए ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। तो ये जो है लास्ट स्टेंजा था इस पोएम का, जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया किस तरह से अपने आप को इमेजिन करती है, ठीक है। डिस्कस द पोएट्री डिवाइसेज यूज्ड इन दिस पोएम।
and how to recognize those pertinent devices. It's very important. Okay. So I have taken two stanzas of the poem अमांडा. अमांडा का मैंने दो स्टेंजा लिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. राइम स्कीम जो है वो सारे स्टेंजा का सेम होगा. कैसे हम लोग पता करते हैं राइम स्कीम, देख लीजिए. राइम स्कीम के लिए हम लोग लाइन का लास्ट वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं. अगर वो किसी दूसरे लाइन का जो लास्ट वर्ड उससे अगर मैच करता है साउंड, तो हम लोग उसको जो है ए कैपिटल ए या कैपिटल या स्मॉल ए से लिखते हैं. ए बी सी डी क्या देख लेते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. तो फर्स्ट लाइन में अमांडा, सेकेंड लाइन में अमांडा, थर्ड लाइन में स्ट्रेट एंड फोर्थ लाइन में अमांडा. तो फर्स्ट लाइन को हम ए नेम दे देते हैं, सेकेंड को भी ए, दूसरे तीसरे को भी, उसके बाद फिर से ए. तो ये राइम स्कीम जो है वो हो गया है आपका. राइम स्कीम क्या हो गया, राइम स्कीम इज ए ए बी ए. ये आपका राइम स्कीम है ए ए बी ए. अब हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सा पोएट्री डिवाइसेस यूज किए गए हैं. सबसे पहला पोएट्री डिवाइसेस है एनाफोरा. अब एनाफोरा किसे कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं अगर शुरुआत का जो वर्ड है अगर वो नेक्स्ट लाइन में भी रिपीट होता है. जैसे डोंट बाइट योर नेल, यहाँ डोंट, यहाँ डोंट, ये रिपीट हो रहा है. उसके बाद देखते हैं यहाँ डिड यू, ये रिपीट हो रहा है. यानी कि अगर वैसा लाइन जिसमें वर्ड रिपीट होते हैं नेक्स्ट लाइन में भी, फर्स्ट लाइन में भी, नेक्स्ट लाइन में भी, तो उसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं. ठीक है, क्लियर. सेकेंड हम लोग देखते हैं एलिट्रेशन. सेकेंड क्या है, सेकेंड है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है सेम होते हैं. जैसे यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉप, स्लॉचिंग, सीट, स्ट्रेट, सब में एस 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 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये एलिट्रेशन शो कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं मेटाफर. मेटाफर में क्या होता है कि हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. यहाँ जो अमांडा है वो अपने आप को कंपेयर करती है कभी मरमेड से, कभी रेपंजल से, कभी ऑर्फन से. तो ये तीनों जो है मेटाफर के रूप में यूज़ किए गए हैं, जो कंपेयर किए गए हैं अमांडा के कैरेक्टर से. ठीक है, वो अपने आप को जो है उस रूप में देखती है, सोचती है, इमेजिन करती है. ठीक है, उसके बाद और भी हम लोग जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये शो करता है इमेजरी. इमेजरी एक ऐसा पोएट्री डिवाइसेस है जिसमें आप इमेजिन करते हैं. इमेज द पोएट्री डिवाइस दैट कंपेल्स यू टू क्रिएट सम मेंटल पिक्चर बाय रीडिंग द वर्ड. जैसे कि हम लोग फ्लड, अगर हम फ्लड के बारे में अगर हम बोलते हैं फ्लड, तो जैसे हम फ्लड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत चारों तरफ पानी पानी होगा, घर डूब रहे होंगे, लोग डूब रहे होंगे, इधर उधर सब भाग रहे होंगे, अफरा तफरी, टर्मोइल होगा ऑल अराउंड. तो इस तरह से हम लोग पोएट्री डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. आशा करते हैं आपको ये समझ में आया है. ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, कुछ सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए. ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू.